इस समय हमारे साथ है शिल्पा शिंदे, बिग बॉस 11 विनर, जिन्होंने ना सिर्फ बिग बॉस के फैंस का बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। तो शिल्पा, वेलकम टू पिंक फ्लावर हिंदी। थैंक यू। सबसे पहले शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे कि कई दिन हो चुके हैं आपके जीतने के बाद, तो कैसा लग रहा है, क्या रिएक्शन है बाहर आने के बाद आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली कल एक हफ़्ता हो जाएगा, कल भी नहीं परसों एक हफ़्ता हो जाएगा, और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना प्यार देंगे लोग, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं शिल्पा, अब अगर कोई बिग बॉस सीज़न 12 में आना चाहे तो आपके पास कई सारे टिप्स होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? वही जैसे लोगों ने मजाक बना के रख दिया कि कुकिंग आना चाहिए या कॉमेडी भी आनी चाहिए, बट ये सच है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को भी खिला सकते हो, आप खुद भी खा सकते हो, क्योंकि ऐसे अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके के लोगों के दिमाग है और लोगों की सोच है, तो हर एक अच्छा रास्ता पेट से निकलता है, ये हकीकत है। आप अच्छा खाते पीते रहोगे तो खुश रहोगे, और इसीलिए कुकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉमेडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। सो देख लीजिएगा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हों। वैसे शिल्पा, सेकेंड मेरा क्वेश्चन ये कि हिना खान ने कहा था कि आप दोनों में अब दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है और आप दोनों एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। नहीं, ये तो हम दोनों ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं, ये ऐसे दिन नहीं आए मेरे। लेकिन दुश्मनी भी नहीं थी, सिचुएशन होती है अंदर तो उस हिसाब से बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है आपको जब ज़रूरत होती है, आपका वो टाइम होता है कि आपके बारे में अगर गलत चीज़ें बोली जाती है तो बुरा लगता है, तो उन चीज़ों को भूल भी जाना चाहिए, ना ही लेके बैठना चाहिए। लेकिन आई थिंक टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप नहीं मिलना चाहते हो, या वैसे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है तो आप नहीं मिलते हो, तो शायद हमारा वैसा ही हुआ था। विकास के साथ ना ही आपकी दोस्ती है खासकर, और ना ही वो दुश्मन है आपके, लेकिन आप वेब सीरीज़ में नज़र आने वाले हैं उनके। जी हाँ, एक्चुअली मैंने एक टास्क में उनसे प्रॉमिस किया था, और ही इज़ टैलेंटेड, उनमें है टैलेंट, तो हम लोग डेफिनेटली वो, मैं एक छोटा सा वेब सीरीज़ उनके लिए ज़रूर करूँगी, बस एक ही वेब सीरीज़। एक और खबर ये आ रही है कि सलमान की भाभी का रोल करने वाले हो आप। सी, एक तो सलमान जी ने जिस तरीके से मुझे रखा है, मुझे इतनी इज्जत दी है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और भाभी तो वो मुझे कभी नहीं वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है, शिल्पा ना तुम भाभी लगती हो ना तुम माँ लगती हो, तो वो मेरी इतना मुझे इज्जत देने के बाद कभी मुझे इस तरह से मेरी इज्जत नहीं कम करेंगे, और मैंने बिल्कुल उनसे काम एक्सपेक्ट नहीं किया है, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, बहुत बड़ी बात है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं उनसे काम मांगूँ या मुझे वो दे, और ये बिल्कुल रूमर्स है, बिल्कुल भी हकीकत नहीं है इसमें कुछ भी। मैं शिल्पा, अगर आपको हिना के साथ कोई सीरियल ऑफर हो जाता है तो क्या आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, सीरियल ही नहीं, पहले तो मुझे डेली सोप ही नहीं करना है, मैंने कर लिया ऑब्वियसली, और शिल्पा बनने के बाद ऑब्वियसली मैं एज अ शिल्पा कुछ करूँ जिसमें मेरा नाम शिल्पा ही रहे, और अच्छी फिल्म करूँ, कुछ अच्छा सा कुछ करूँ, है दो तीन चीज़ें, लेकिन टीवी शोज़ नहीं करूँ। आपको क्या लगता है, टीवी इंडस्ट्री से आपका भरोसा उठ गया है? बिल्कुल बिल्कुल उठ गया है, क्योंकि जिस टीवी इंडस्ट्री में मैंने 15 साल से काम किया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैंने साथ दिया, जिनको मैंने सपोर्ट किया, कभी टेंट्रम्स थ्रो नहीं किए उन्होंने, मुझे किसी ने भी साथ नहीं दिया। आई थिंक एक दो प्रोड्यूसर्स है जैसे अश्विनी धीर है, उन्होंने मुझे अच्छा, उनका शो मैंने भी उनका शो छोड़ा था, लेकिन सिचुएशन हो जाती है ऐसे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जिन्होंने मुझे नहीं सपोर्ट किया उनके साथ मैं कभी काम नहीं करूँगा। बिग बॉस की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हुई है वो ये है कि हिना और आपके जो फैंस हैं वो काफ़ी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीतने के बाद भी वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगी, जो आपने देखा वो हकीकत थी, और किसी के बारे में बेमतलब बुरा मत वो करो, अपने सोच बुरी मत रखो, मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं जैसी हूँ ऐसी ही हूँ, और अच्छी बात है हिना के लिए भी, वो भी जैसी है वैसी ही दिखी, और आई थिंक झगड़े करने से कुछ नहीं मिलता। आखिरकार में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपको कोई सलाह देनी हो हिना खान को तो क्या हो? थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखे, और थोड़ा सा रिएक्ट करने का तरीका चेंज करे वो, रिएक्ट मैंने भी किया है, मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि, बट थोड़ा सा बात करने का लहजा सुधारे वो, दैट्स इट। विकास गुप्ता के लिए? मास्टरमाइंड है, उसको क्या बताना, उनसे तो सीखना पड़ेगा।
और एक और चीज़ जो हमें हमारी नज़र में आ रही है वो ये है कि आपका कड़ा, तो अर्शी खान के साथ दोस्ती सेम है अभी? हाँ, आई थिंक अर्शी खान के मम्मी ने उसको ये कड़ा दिया था जो उसके लिए लकी थे, और उसमें से एक कड़ा उसने मुझे दिया, तो आई थिंक इसी कड़े की वजह से मैं विनर बनी हूँ, और ऑब्वियसली लोगों के प्यार की वजह से, बट ये मेरे लिए लकी है और उसने वाकई में प्यार से मुझे ये दिया, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लास्ट शिल्पा, आपको हम कब नेक्स्ट देखने वाले हैं? मैं अभी वो एंटरटेनिंग की नाइट है उसमें आ रही हूँ, और आई होप इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच शिल्पा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।